It comes under also a coordinate geometry. In coordinate geometry, there are two chapters basically, or in fact three chapters. One is straight line, conic section, and third one is 3D. So these three chapters comes under the coordinate geometry. Now today we are going to do a conic section. First of all, what is conic section? As the name suggests, please, conic section means the section of the cone. So ये आपके पास एक cone है, right? ये एक आपके पास cone है, और section का मतलब होता है कि हम इसको जब काटते हैं तो कितने तरीके के figures बनती हैं। अगर आपके पास कोई cone है और अगर उसको ऐसे काटते हो बिल्कुल horizontally, तो आपके पास जो figure बन के आती है, आप imagine करो अपने mind में, तो वो एक circle होती है। तो circle जो है, अगर हम circle को परिभाषित करें तो वो भी एक cone का एक part है। ऐसे ही अगर हम इसको सीधा ना काट करके इसको अगर हम थोड़ा सा तिरछा काटें तो यहाँ पे जो हमारे पास इमेज बन के आती है वो कुछ इस तरीके से होती है, अंडाकार, और जिसको कि हम इंग्लिश में एलिप्स भी कहते हैं। एलिप्स और सर्कल में ये फ़र्क होता है कि सर्कल का एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है, लेकिन एलिप्स के अंदर दो केंद्र होते हैं जिसको फोकस कहते हैं, फोकाई कहते हैं प्लूरल में, और फोकस कहते हैं अगर हम सिंगुलर में बात करें तो। तो आपको दो बातें समझ में आई, अगर आपने हॉरिजॉन्टली काटा तो सर्कल बना, और अगर आपने थोड़ा सा ऑब्लिक काटा तो आपको एलिप्स मिला। अब तीसरी बात है कि अगर आप इसको ऐसे ऐसे काटते हैं तो आपके पास एक इस तरीके की फिगर निकल के आती है। देखिए, ये भी एक तिरछा काटा है, लेकिन इस तिरछे में और इस तिरछे में ये फ़र्क है कि इसमें आपने इसको दो कोन के दोनों जो साइड्स होती हैं, जो स्लांट हाइट्स हैं, उसको कट किया है तो एलिप्स मिला। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे काटा है परपेंडिकुलर ना होकर के थोड़ा सा स्लांट, तो वो जो फिगर निकल के आती है हमारे पास, वो कुछ ऐसी फिगर निकल के आती है। मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, नीचे की तरफ ना दिखा करके इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ये फिगर कहलाती है पैराबोला। माइंडेड, दिस इज अ पैराबोला, नॉट प्याराबोला, इट इज़ अ पैराबोला। एंड इफ़ यू कट इट एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली लाइक दिस, अगर आप इसको परपेंडिकुलरली काट दें तो आपका जो फिगर निकल जाएगी वो एक ना कुछ ऐसी निकल जाएगी जो कि जिसका मुंह खुला हुआ होगा। दिस फिगर इज व्हाट वी कॉल हाइपरबोला। तो हाइपरबोला और पैराबोला में एक हल्का सा फर्क है कि हाइपरबोला का जो मुंह जो होता है धीरे धीरे पूरा ज़्यादा एक्सपेंडेड नहीं होता, बट हाइपरबोला के केस में, पैराबोला के केस में ये एक्सपेंडेड नहीं होता, और हाइपरबोला के केस में ये मुंह जो होता है थोड़ा तेज़ी से खुलता है, उनका रफ्तार थोड़ा खुलने का फास्ट होता है। तो ये तो रही इस कॉनिक सेक्शन की बात, कि कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है। द पार्ट्स ऑफ व्हेन वी कट कोन इनटू द डिफरेंट पार्ट्स, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स निकल के आती हैं, उन्हीं शेप्स को हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं। तो आई थिंक तुम सबको ये समझ में जरूर आ जाएगा यहाँ से कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम सर्कल पढ़ने वाले हैं, एलिप्स पढ़ने वाले हैं, पैराबोला पढ़ने वाले हैं, और हाइपरबोला पढ़ने वाले हैं। तो समय नष्ट न करते हैं, सबसे पहले हम सर्कल को स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है? मैं अधिकतर लोगों से ये पूछता हूँ व्हाट इज सर्कल, तो लोगों का जवाब होता है कि सर्कल एक ऐसा गोला होता है जिसके अंदर एक सेंटर होता है। बट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है कि सर्कल जो है एक लोकस मतलब पाथ, लोकस ऑफ पॉइंट मतलब पॉइंट्स का पाथ है, जिसके अंदर सभी के सभी ये जो पॉइंट्स हैं वो एक फिक्स पॉइंट से सेम दूरी पे हैं, ये सभी के सभी सेम दूरी पे हैं। तो और उस जो बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं सेंटर, और जो इसके सारे चारों ओर पॉइंट हैं और जो ये एक सरफेस हमें मिलता है, बन के मिलता है, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, और हिंदी में कहते हैं इसे परिधि। तो दिस इज़ अ वेरी 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 आई थिंक मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सर्कमफ्रेंस एंड परिधि मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सो कैन एनी हाउ हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सर्कल की जो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो हमें पढ़नी है। तो सर्कल के अंदर दो चीज़ें आपके पास समझ में आई कि सर्कल के अंदर दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, इसका सेंटर जो कि जनरली हम एच के से शो करते हैं, और इसका रेडियस जो कि आर होता है। तो सर्कल के केस में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है जी एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे आपके पास सेंटर के पॉइंट्स भी हैं और रेडियस भी आपके पास है। अगर कोई आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कि ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है ऐसे, तो आपसे पूछे कि इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा, तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है, इसे कंपेयर करोगे तो आपके पास h की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि माइनस एच और माइनस माइनस से कट जाएगा तो h बराबर 2 आ गया। सपोज ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, k बराबर माइनस 4 आ जाएगा, k बराबर माइनस 4। तो h और k की वैल्यू आपने निकाल ली और r आपके पास 16 का रूट 4 हो गया। तो जब आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गई तो आपको सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। सेंटर होता है h के, सेंटर जो होता है साफ होता है एच और के की वैल्यू जो कि 2 और -4 है, और रेडियस जो है वो आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, रेडियस की आपके पास आ गया 4। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और दो जो कि दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो कहलाती है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन इसको समझना जरूरी है, क्या होती है ये इक्वेशन, कुछ ऐसी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यस ये इक्वेशन होती है, और इस इक्वेशन में जो सेंटर होता है उसका फॉर्मूला होता है जी माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और इसका जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है जी अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आपके लिए सर आपने क्या फार्मूले लर्न कर रखे हैं? हाँ जी, ये फार्मूला मुझे याद है, इसके बगैर तो आप चैप्टर को कर ही नहीं सकते, तो आपको भी ये फॉर्मूले याद करने हैं। तो इसमें किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, इसमें भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बनेगा। आपके पास एक इक्वेशन आपको ऐसे दे दी जाएगी जैसे कि मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, कोई भी मनगणन बना रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए सेंटर रेडियस क्या है, तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। इससे आप कंपेयर करेंगे तो 2gx बराबर आपके पास 4x है, तो x x कट गया और g की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। ऐसे ही 2fy जो है आपके पास 9y है, तो f आपके पास 9/2 आ गया। और जब g और f आपके पास आ गया तो कोई आपसे पूछे इसका सेंटर क्या है, तो सेंटर आप सीधा बोलेंगे माइनस जी माइनस एफ यानी कि -2 और माइनस एफ यानी कि -9/2, ये तो इसका सेंटर आ गया। अब इसकी रेडियस की बात करते हैं इस इक्वेशन की, तो वो बहुत ही सिंपल है। रेडियस का फॉर्मूला हमें याद है, जी स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर, एफ स्क्वेयर यानी कि 9/2 का स्क्वेयर जो कि होगा 81/4, माइनस सी। यहाँ पे ना मैं इसको इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपका आंसर गलत ना है, -16 ले रहा हूँ। तो सी की वैल्यू कितनी आई, 16 आ गई आपके पास, या इसको प्लस ही रहने देते हैं। और सी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, सी ये है, देखिए सी ये है, तो सी आपके पास आया 16। अगर ये प्लस है तो ये प्लस 16 आ गया, तो सी की वैल्यू को जब आप यहाँ पर डालेंगे तो -16 हो जाएगा। तो इसको मैं -16 ही रहने देता हूँ और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये वैल्यू परफेक्ट आ जाती है तो ये सर्कल का रेडियस है। वैसे क्योंकि मैंने अपने आप से बनाया है तो ये परफेक्ट आएगी या नहीं आएगी वो आप देख लीजिएगा, लेकिन इस तरीके से आप रेडियस और सेंटर को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। तो सर्कल के अंदर ये दो इक्वेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रीकैप लेते हैं। आप क्वेश्चन सामने आता है कि सर ये वाली इक्वेशन कब यूज़ करेंगे और ये वाली इक्वेशन कब यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली जब भी कोई चीज़ हमें इस रूप में मिलेगी स्क्वायर के रूप में ऐसे ऐसे, तो हम इसको ये वाली इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे। और अगर मेरे को इक्वेशन ऐसे लंबे में मिलेगी, लंबे फॉर्म में मिलेगी जिसको कि जनरल इक्वेशन कहते हैं, तो मैं ऐसे इसके अंदर सेंटर और रेडियस निकालूंगा। तो ये दो तरीके हैं सेंटर और रेडियस निकालने के लिए, और दो तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है और इसका सेंटर और रेडियस क्या है, तो देखिए इसका सेंटर जो है वो साफ दिख रहा है 0, 0 है, क्योंकि यहाँ पे एच और के की वैल्यू नहीं है। और आर जो होता है क्योंकि वो राइट साइड में है, तो आर स्क्वायर 25 है, तो आर तो हमारे पास यहाँ पे इसका रूट 5 होगा। तो बहुत ही आसान है सेंटर और रेडियस निकालने का ऐसी इक्वेशन में। और ऐसी और नीचे वाली इक्वेशन में आपको मैंने एक एग्जांपल दिखाई दिया। तो अभी एक लास्ट हम एक इक्वेशन को पढ़ रहे हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है और जनरली लोग इसको मिस कर जाते हैं। ये कहलाती है डायमेट्रिक फॉर्म और ये एंट्रेंस में पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। डायमेट्रिक फॉर्म ये कहती है कि अगर आपके पास सर्कल के एंड पॉइंट गिवन है डायमीटर के x1 y1 और x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकलेगी।
तो इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है उसका फॉर्म, ये सर्कल का ये सिंबल है, आप सर्कल डाल के डॉट डाल देंगे तो ये सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो होती है जी x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू। आई होप ये बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक इस पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये पॉइंट आपको वन और टू दिया हो और ये पॉइंट आपको सेवन और एट दिया होगा। तो x माइनस एक्स वन इज वन क्योंकि ये x1 है, x माइनस एक्स टू इज सेवन क्योंकि ये सेवन है, प्लस y माइनस वाई वन इज टू और y माइनस वाई टू इज एट। आप पूछेंगे सर ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर होने चाहिए, यस या एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर होने चाहिए तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपके सर्कल की इक्वेशन बन के आ जाएगी कुछ इस प्रकार। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर्कल। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉनिक सेक्शन को कैसे करना है, तो तब तक आप इसको इसकी प्रैक्टिस करके रखिएगा, ठीक है जी। थैंक यू।